मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मोल एंड किलोमोल। पिछले क्लास में हमने देखा कि किसी भी अमाउंट, अगर मास है, अगर हमारे पास मास है 10 ग्राम, 20 ग्राम, एनीथिंग, अगर मुझे उसको मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक, या फिर किलो मोल में कन्वर्ट करना है, अगर ग्राम होगा तो मोल में कन्वर्ट होगा, अगर वो किलोग्राम में होगा तो वो किलो मोल में कन्वर्ट होगा। तो अगर मास बड़ा नंबर होता है, नंबर ऑफ मोल छोटे नंबर होते हैं, तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है मास को इसमें, तो हम सिंपली मॉलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। ऐसे ही अगर हमारे पास मोल और किलो मोल दिए हुए हैं और मुझे कन्वर्ट करना है मास में, यानी मोल को ग्राम में और किलो मोल को केजी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से, तो मुझे बड़ा नंबर एक मिलेगा, ठीक। आपने समझा। सबसे पहले समझते हैं ये इसमें रफली एक बार कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल का मतलब क्या है? किसी भी मटेरियल की, अगर वो मटेरियल एटमिक फॉर्म में है या फिर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, उसका हम वो उसका कितना अमाउंट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको डिपेंड करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। हमारी बात समझ गए? अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई मोल, ठीक, कोई भी हमारे पास कंटेंट हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं कि भाई एक्चुअल किसी भी समझिए किसी भी एटॉमिक फॉर्म में हमारे पास कोई मटेरियल है या फिर वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फॉर्म में, दो फॉर्म में हमारा मटेरियल हो सकता है, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में या फिर एटॉमिक फॉर्म में हमारा मटेरियल हो सकता है, राइट। इसमें कोई डाउट आपको मुझे लगता नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर सोडियम है प्योर, तो वो सिर्फ आयनिक के फॉर्म में होगा, एटॉमिक फॉर्म में होगा। अगर ऑक्सीजन है तो वो O2 फॉर्म में होगा। हाइड्रोजन है जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। पानी है, इसके अलावा ग्लूकोज है C12H22O11, दिस इज द फार्मूला ऑफ शुगर, C6H12O6, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये सभी क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो अगर कोई भी मटेरियल जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म वाला जो मटेरियल होता है, मैंने क्या बोला, अगर कोई मटेरियल मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, समझे, अगर कोई मटेरियल मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो उसके लिए हम जो अमाउंट को दिखाने के लिए टर्म यूज करते हैं, वो यूज करते हैं मोल, ठीक, या फिर ग्राम मोल, या फिर किलोग्राम मोल, ठीक, किलो मोल, ये दो टर्म यूज करते हैं उसके अमाउंट को दिखाने के लिए। बट अगर कोई ये मटेरियल ऐसा है जो कि एटमिक फॉर्म में है, जैसे कि हमारे पास हीलियम हो सकता है, मतलब जो अमाउंट कभी कंपाउंड नहीं बनाता है, दो मिलकर एक नहीं बनाते हैं, वो सिंगल रहता है, एक ही एटम रहता है, तो उसके अमाउंट को अगर तुम्हें दिखाना है, उसके मैटर, जो मैटर है उसको दिखाना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर को दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राम मोल ना बोल के हम ग्राम एटम बोलते हैं, मतलब एक ही होता है, क्योंकि वो एटमिक फॉर्म में, इसलिए हम उसको ग्राम एटम बोला है, और अगर वो मॉलिक्यूल फॉर्म होता तो ग्राम मोल बोलते हैं, ग्राम एटम बोलते हैं। अगर हम केजी में उसको, केजी में है वो कन्वर्ट कर रहे हैं मोल या एटम में, तो फिर हम उसको ग्राम केजी एटम बोलते हैं, किलो एटम बोलते हैं, राइट, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अगर किलो मोल हम मोल बोले या फिर एटम बोले, बात एक ही है, ग्राम एटम या ग्राम मोल एक ही बात है, बस ग्राम मोल हमें बताता है कि वो मटेरियल जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और ग्राम एटम हमें बताता है कि वो मटेरियल एटमिक फॉर्म में है, ठीक। ऐसा कन्वर्जन सेम तरीके से होता है। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल ऑफ शुगर, ठीक, कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, चाहे वो एटमिक फॉर्म में हो, अगर 1 मोल हमने क्वांटिटी ली है, 1 मोल क्वांटिटी का मतलब है कि उसके एटॉमिक वेट के बराबर क्वांटिटी, समझ गए। 1 मोल शुगर के बारे में बात कर रहा हूं, शुगर का फॉर एग्जांपल 342 है, चेक कर लो एक बार, C12H22O11, ठीक, सॉल्व करो, इसका मॉलिक्यूल बताओ मुझे कितना हुआ, (12×12)+(22×11)=16, 342, ठीक है। तो अब यहां पर जो है शुगर का, अगर हम बोलेंगे शुगर के 1 मोल का मतलब क्या है, तो आप बोल सकते हैं इसका मोलिक्यूलर वेट कितना है, 342,
इसका मतलब वन मोल का मतलब है 342 ग्राम सुगर, समझ गए? अगर वन मोल ना बोल के मैं वन किलो मोल बोलता तो आप बोल सर इसका मतलब है 342 केजी सुगर, समझ गए? मोल का मतलब है ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, केजी को किलो मोल कन्वर्ट करेंगे केजी में। तो किसी भी मोल को अगर कन्वर्ट कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे मोल की वेट से, तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास समझ में आ गया कि वन मोल सुगर जो है उसका मतलब होता है, अरे हम बोले दुकान में जाए, दुकान बोले भाई वन मोल सुगर दे दो, तो बोले तुम पागल पागल हो क्या, क्या बोल रहे, ऐसे बोलेगा। ठीक, आप बोलो 342 ग्राम सुगर दे दो, अरे दे तो काम बाएं हाथ का है। इसका मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए, आप इंजीनियर हो, कि वन मोल सुगर का मतलब क्या है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम बोले वन मोल ग्लूकोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो आप बोलोगे सर इसको मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करने का मोलिक्यूल वेट से, मोलिक्यूल वेट का कितना होता है ग्लूकोज, तो हम बोले 180 होता है, 180 मल्टीप्लाई किया वन में, 180 आ गया, तो 180 ग्राम ग्लूकोज होता है। ठीक, अगर भाई एक किलो मोल ग्लूकोज मतलब बोलते तो आप बोल सर 180 केजी ग्लूकोज। अगर हम वन किलो मोल ग्लूकोज के बारे में बात करते थे, तो अब आपके पास समझ में आ गई, ठीक, कि भाई मोल का मतलब है मोलिक्यूल वेट से मल्टीप्लाई करें तो उतने ग्राम वो अमाउंट हो जाएगा, आपको समझ आ रहा है। बट खास बात देखो क्या है, इसलिए एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे मैं बोलूं कि वन ग्राम एटम सोडियम, तो आप बोलो 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ग्राम, या फिर वन केजी एटम होता, वन ग्राम एटम या फिर वन केजी एटम होता तो 23 केजी सोडियम हो जाता। ठीक, अब यहां पर एक क्वेश्चन है, देखो एक चीज ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप 342 ग्राम शुगर ले लो या 180 ग्राम ग्लूकोज ले लो, या आप, मैं केजी में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ग्राम बात कर रहा हूँ। ठीक, अभी 23 ग्राम सोडियम ले लो जो एटॉमिक फॉर्म में है, तो इनमें खास बात यह है कि 342 ग्राम सुक्रोज में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो 6.023 गुणा 10 की पावर 23, इतने ही मॉलिक्यूल होते हैं चीनी के, शुगर के, समझ गए? ऐसे ही ग्लूकोज के बारे में बात करें तो इसके मॉलिक्यूल काउंट करना शुरू किया तो 6.023 गुणा 10 की पावर 23, इतने एटम जो है उसके इतने मॉलिक्यूल अणु हमें मिले। फिर मैंने इसका सोडियम काउंट किया तो इसके भी इतने मिले। अब हमें कुछ समझ में आया लगा कि भाई यार सबका वन मोल लेने पर, वन ग्राम मोल या वन ग्राम एटम लेने पर जो अमाउंट है उसको काउंट करें तो नंबर ऑफ मोल जो मॉलिक्यूल है वो सेम आते हैं, इनमें कुछ लोचा है। तो इस लोचे को सॉल्व किया अवोगाड्रो, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि इसको हम अवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। किसी भी वन ग्राम एटम या फिर वन ग्राम मोल सबस्टांस में जो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 और 10 की पावर 23, समझ गए बात को? तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी भी प्रकार से आपको कोई डाउट होगा और आप ये बात नहीं समझ रहे होंगे। तो आसानी से आप किसी भी एटम ग्राम को, अब आपको ग्राम को कन्वर्ट करना हो ग्राम मोल में, ग्राम अमाउंट कन्वर्ट करना हो ग्राम मोल में, या फिर ग्राम मोल कन्वर्ट ग्राम में, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आसानी से, इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होगी जो मुझे ऐसा लगता है। ठीक, तो फिलहाल ये लेक्चर यहीं तक था, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करेंगे और के जो ग्राम मोल है वो समझ गए आप, ग्राम मोल में जो मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में अमाउंट आएगा, और किलो मोल में मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूल से तो केजी में आएगा, बस इतना ही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस में नहीं है। ठीक, अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे कोर्स को केमिकल गुरु एप्लीकेशन पर जरूर परचेज करें, क्योंकि वहाँ पर हमने 10 सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं, हमने इंटरनेशनल टेस्ट बुक को फॉलो किया है, बहुत डिफिकल्ट टेस्ट बुक को बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया गया है वहाँ पर। और अगर आपने हमारा 10 सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ाई कर ली 3 महीने के अंदर, तो मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन सिंगल बाहर नहीं आएगा। हम ओपी गुप्ता रामराजन सबको कवर करते हुए पढ़ाते हैं, आपको हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद कोई भी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, हमने बिल्कुल जीरो से बेसिक से टॉप लेवल तक कवर किया है। अगर आप बीएससी हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत आसानी से मैंने कवर किया है।
आप जब इसको कवर करोगे तो डेफिनेटली एक बड़ा रिजल्ट आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो आप हमारा एप्लीकेशन क्या को डाउनलोड करिए, और वहाँ पर उसको डाउनलोड करने बाद वहाँ पर क्या करिए कि कंटेंट को देखिए किस तरीके से मैंने वहाँ पर बनाया हुआ है, कैसे पढ़ाया हुआ है, और परचेस करिए। ठीक है, कुल फीस 7,500 से भी कम है हमारी तैयारी की। आपकी हमसे पास करने बाद जो है गवर्नमेंट जॉब में 2 दिन की सैलरी है जी। ठीक, तो मान के पढ़िए, अच्छे सपोर्ट करिए। और आज हमारे पास देश से 1200 ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे देश से, उनके लिए बहुत धन्यवाद। इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, उन सबके लिए धन्यवाद। और वह माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।